ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। 203 रन्स के दिफा में कौमी बॉलर्स ने खूब हिम्मत दिखाई। एक्सपर्ट 55 पर 7 विकेट गिराकर मेजबान टीम को टफ टाइम दिया। पैट कमिंस ने 32 रन्स बनाकर टीम की कश्ती पार लगाई। हारिस रऊफ 3 और शाहीन आफरीदी 2 विकेट्स लेकर नुमाया रहे। कप्तान रिजवान का जारहाना अंदाज, कम हदफ होने पर 4 मेन बॉलर्स पर ही इक्तफा किया और मुकाबला दिलचस्प बनाया। कौमी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 203 रन बनाए थे। टॉप ऑर्डर्स में सिर्फ रिजवान और बाबर ने ही कुछ मुजाहमत की, बाकी बल्लेबाज मुतासिर कुन कारकर्दगी ना दिखा पाए। शाहीन आफरीदी ने 24 और नसीम शाह ने 40 रन बनाकर स्कोर 200 से जायद तक पहुंचाया। बानी पीटीआई और मुझे ना इंसाफी करके सजा दी जा रही है। मुशा बीबी कमरा अदालत में रो पड़ी, बोली 9 महीनों से ना इंसाफी हो रही है, यहाँ सिर्फ ना इंसाफियाँ होती हैं। सामान साथ लाई हैं, जब अदालत कहेगी जेल जाने को तैयार हैं। हमारे वकला समेत सब वक्त जाया करते हैं, जो अंदर इंसान बैठा है क्या वो इंसान नहीं। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजोका ने बुशरा बीबी की जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बानी पीटीआई की 6 दरख्वास्तों पर दलाइल तलब, 18 नवंबर को एक साथ फैसला सुनाया जाएगा। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिया। बानी पीटीआई का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल। डॉक्टर्स की 4 रुकनी टीम ने बानी पीटीआई की सेहत तसली बख्श करार दे दी। पिम्स अस्पताल के 3 और शौकत खानम के डॉक्टर आसिम ने तिब्बी मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली, डॉक्टर आसिम ने बताया कि बानी पीटीआई की सेहत ठीक है, सिर्फ उनके मसल्स ढीले हुए हैं, ये लोग उनको बाहर नहीं आने देंगे। बानी पीटीआई कोई ढील या डील के लिए तैयार नहीं चाहते, वो कहते हैं इंसाफ के लिए इंकलाब लेकर आए। अलीमा खान ने सूरत हाल पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील भी कर दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने फिर सड़कों पर निकलने की वार्निंग दे दी। कहते हैं 9 नवंबर को सवाबी में इकट्ठे होंगे, फिर आइंदा का लाहे अमल देंगे। इस बार फैसला कुन मार्च होगा, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। मजीद बोले, शरीफ फैमिली कौमी एयरलाइन को औने पौने दाम खरीदना चाहती है, हम PIA को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे, चंदा मांग लेंगे मगर कोरियों में बेचने नहीं देंगे। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं, ये किन जहाजों को खरीदने की बात कर रहे हैं? उनके पास तो फायर फाइंडिंग की गाड़ियां भी डीजल दिलवाने के पैसे नहीं। वजीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी का तंज, बोली पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा नहीं। अदालत में बुशरा बीबी के रोने का सुनकर अफसोस हुआ। रोस्टर में खुद से आना और गुफ्तगू करना अच्छा स्टंट है, रसीदें तो उनको देनी पड़ेंगी। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, राणा सनाउल्ला पर जो केसेस बनाए उनकी मुआफी भी मांग लेते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। 17 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी होगी। हुकूमत की अहम कानून साजी की तैयारियां, कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज होंगे। तमाम अराकीन को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा, सेनेट इजलास भी आज शाम 6:30 बजे तलब किया गया है। जमात इस्लामी ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पार्लिमानी कमेटी की जानिब से चीफ जस्टिस का तकर्रुर कलदम करार देने और नए जुडिशियल कमीशन की तश्कील मौतल करने की इस्तिदा। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान बोले, 26वीं आईनी तरमीम फॉर्म 47 वालों से पास कराई गई, आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर को छेड़ा गया। रात के अंधेरों में इस तरह की तरमीम नहीं की जाती, हमारा मुतालबा है फुल बेंच बनाया जाए। हाफिज नईम की PIA की निचकारी पर भी तनकीद। सिंध असम्बली ने आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक करारदाद मंजूर कर ली। MQM अराकीन ने भी हिमायत की। करारदाद के हक में 123 अराकीन ने वोट दिया। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और 4 आजाद अराकीन ने मुखालफत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, करारदाद लाकर हमने जिम्मेदाराना तर्ज हुकूमत का सबूत दिया, आईनी बेंचेस जल्द से जल्द बनने चाहिए। मुराद अली शाह ने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का भी बता दिया।
सारे मुकदमात आईनी बेंचेस में ना ले जाएं, कुछ हमारे पास भी रहने दें। सुप्रीम कोर्ट में सुई नॉर्दर्न गैस के जायद बिलिंग से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स, कहा इस केस में कोई आईनी या कानूनी सवाल मौजूद नहीं, जेरे इल्तवा नजरसानी केस में दरख्वास्त गुजार सवाल उठा सकते हैं। अदालत ने सुई नॉर्दर्न के जायद बिलिंग केस को निपटा दिया। इस्लामाबाद में भी वही काम शुरू हो गया जो कराची में होता था। स्ट्रीट क्राइम्स बढ़ रहे हैं, शहरी लापता हो रहे हैं, भत्ते की पर्चियां आ रही हैं, मेरे एक जानने वाले को भी पर्ची आई है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, पुलिस की जानिब से इंतजार पंजौता की बाजियाबी की रिपोर्ट पेश करने पर अदालत ने केस निपटा दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, उन्होंने टीवी पर देखा, इस पर अफसोस हुआ। अटर्नी जनरल साहब इस्लामाबाद से शहरी लापता क्यों हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को देखें, ये शर्मिंदगी का मुकाम है। आईजी पुलिस और काबीना को भी मामला देखना चाहिए। लाहौर मुसलसल चौथे रोज भी शदीद माहौलियाती आलूदगी के जरिए असर, फजा में जहरीली मवाद की हद इंतहाई खतरनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 को छू कर नीचे आया। ताज़ा इंडेक्स में दिल्ली 379 AQI के साथ पहले, लाहौर 213 के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। जहरीली हवा के बाइस शहरियों को सांस लेना मुहाल, आंखों में जलन, हुकूमत के स्मोक से बचाव के लिए इकदाम। लाहौर के प्राइमरी स्कूल्स एक हफ्ते के लिए बंद। शहर के मजीद दो इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। लाहौर के अलावा जनूबी पंजाब में भी स्मोक के असरात, मुल्तान में सुबह के वक्त आलूदगी की शराह 500 से। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, इंडेक्स तारीख में पहली बार 92,000 की नफसियाती हद क्रॉस कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी, 100 इंडेक्स में 1213 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने पहले 91,000 और फिर 92,000 की हद उबूर की। स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा गवर्नर। स्टेट बैंक जमील अहमद इजलास की सदारत करेंगे। ज़राए के मुताबिक शराय सूद में 2% कमी का ऐलान मुतवक्के। मौजूदा शराय सूद 17.5% है। कराची चैम्बर और कारोबारी बरादरी का शराय सूद में 5% तक कमी का मुतालबा। वफाकी वजीर मुवासलात निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड अलीम खान की ज़ेर सदारत इजलास, कराची पोर्ट से पिशावर तक तेज तरीन रेलवे ट्रैक की तजवीज़ पर मुशावरत। वफाकी वजीर ने कहा, कम खर्च और तेज तरीन कार्गो सर्विस से रेलवे मुनाफा बख्श हो सकती है।